फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं। नास्त्रेदमस ने 2023 में मंगल पर इंसान, विश्व युद्ध और नए पोप से जुड़ी भविष्यवाणियां की हैं। आइए जानते हैं 2023 के लिए नास्त्रेदमस की 5 बड़ी भविष्यवाणियां। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में और जानकारी भरी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। दुनिया में भविष्यवाणियों की बात करें तो फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। नास्त्रेदमस ने 1566 में अपनी मौत से पहले 6338 भविष्यवाणियों को लिखा है, जिसमें हमारी दुनिया का अंत कब और कैसे होगा इसके बारे में भी बताया गया है। कई लोगों का मानना है कि नास्त्रेदमस ने क्रांति से लेकर युद्ध तक हमारी दुनिया की रूपरेखा तय करने वाली भविष्यवाणियां भी की हैं। नास्त्रेदमस में विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है कि हिटलर के उदय, दूसरे विश्व युद्ध और अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आतंकी हमले और कोरोना के बारे में भी उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी की थी। साल 2023 के लिए नास्त्रेदमस ने कई खतरनाक भविष्यवाणियां की हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, तीसरा विश्व युद्ध। नास्त्रेदमस ने अपने भविष्यवाणी को कुछ इस तरह लिखा है, 7 महीने महान युद्ध, बुरे कामों से मरे लोग। कई लोग इसे विश्व युद्ध मानते हैं। लोगों का मानना है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। वहीं कई लोग इसे चीन और ताइवान के बीच संघर्ष से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका आएगा, जो एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। नंबर 2, मंगल पर अंतरिक्ष यात्री। मंगल ग्रह को लेकर नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की है। नास्त्रेदमस ने लिखा, मंगल पर रोशनी गिर रही है। कई लोगों का मानना है कि नास्त्रेदमस ने इंसान के लाल ग्रह पर कदम रखने से जुड़ी भविष्यवाणी की है। वहीं कई लोगों का मानना है कि इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने से जुड़े मिशन में एक बड़ी कामयाबी इस साल मिल सकती है। स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी बसाने की बात कह चुके हैं। वह 2029 तक मंगल पर इंसानों को भेजना चाहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि 2023 में मंगल से जुड़ा कोई मिशन एलन मस्क के दिमाग में हो। नंबर 3, नए पोप की भविष्यवाणी। पोप का बदलना भी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में से एक है। अगर ऐसा होता है तो पोप फ्रांसिस की जगह कोई और आएगा। नास्त्रेदमस के मुताबिक पोप फ्रांसिस आखिरी सच्चे पोप होंगे। उनकी जगह जो भी लेगा वह एक स्कैंडल को जन्म देगा। नंबर 4, आसमान की आग। नास्त्रेदमस ने लिखा, शाही भवन पर आकाशीय आग। कई लोग इसकी व्याख्या नई सभ्यता के उदय से करते हैं। वहीं कई लोग इसे दुनिया खत्म होने, तो कई लोग इसकी व्याख्या दुनिया के नए कानून से करते हैं। नंबर 5, दो महान शक्तियां आएंगी साथ। नास्त्रेदमस ने दिलचस्प तरीके से दो महान शक्तियों के एक साथ नया गठबंधन बनाने की बात कही है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में ये गठबंधन एक मजबूत आदमी और एक कमजोर पुरुष या महिला नेता के बीच होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसके प्रभाव अच्छे होंगे, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 5 भविष्यवाणियां जो फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने दुनिया को लेकर की हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सच होंगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही जानकारी भरी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।